Good morning, hello students of class 6 English medium. In this video, I am explaining you chapter 1, our food and its resources or sources. Now we will see what are the topics of our chapter. Number first is food variety, second is ingredients, materials needed to prepare our dish, next is food ingredients, materials and their resources. Fourth one is food ingredients, materials obtained from animals. मीन्स क्या है सबका? देखिए, पहला हमारा जो फूड वैरायटी है, इसमें हमारी मीन्स फूड की कितनी वैरायटी होती है, ये सारी चीज़ें आएंगी. नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर डिश, मीन्स हमें किसी भी डिश को प्रिपेयर करना है तो हमें किस किस इंग्रेडिएंट और मटेरियल की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट फूड इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल्स इन देयर सोर्सेज, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स हैं उनके क्या क्या सोर्स हैं. ओके, फूड इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से कौन कौन से इंग्रेडिएंट और मटेरियल्स हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स गिव अस मोर वैरायटी ऑफ फूड, बोला है कौन कौन से प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी में फूड देते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट, क्या मीन्स है इसका? मीन्स ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या क्या चीज़ें खाते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फिश हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म क्या क्या खाते हैं ये हमें पढ़ना है इसमें. नेक्स्ट है आपका फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू कौन कौन से फूड खाए जाएंगे. कंज्यूम मतलब होता है खर्च करना या खाना. ठीक है, तो हम लोग का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी, उस पर हम आ जाते हैं. तो हम लोग देख लेते हैं फूड वैरायटी में क्या क्या चीज़ें हैं. देखिए, फूड वैरायटी, देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल्स टू अस, डू वी ईट एवरी डे, मीन्स क्या है? हमारे पास यहाँ पर फूड की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, पर हमें क्या खाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हमें नीचे दी हुई हैं, जैसे गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ वैरायटी फूड आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स इन द टेबल गिवन बिलो, आस्क योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू राइट देयर चॉइजेस, मीन्स आपको ये सारी वैरायटी दे दी गई है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए कि इसमें से कौन सी वैरायटी उन्हें पसंद है. वैरायटी का मीन्स जैसे कॉफ़ी है, ये भी फूड में आती है, कॉफ़ी, सूप है ना, बटर, टोस्ट, राइस, ये सब चीज़ क्या है? ये सब हमें ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए. तो लंच में हमें क्या लेना चाहिए? लंच में हमें सलाद, पराठा, समोसा, डोसा, ढोकला, सैंडविच, जैम, ब्रेड, मिल्क, नट्स, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें हमें लंच में लेनी चाहिए. डिनर में हमें क्या लेना चाहिए? डिनर में हमें लेना चाहिए फिश, मटन, इडली, बॉयल्ड एग, राइस, चपाती और चिकपीस, पनीर, सांभर, वड़ा, ये सारी चीज़ें हम डिनर में ले सकते हैं. ओके, तो देख, आपने देखा होगा कितनी डिफरेंट वैरायटी का क्या है आपके पास फूड है ना. हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस, आप लोग को पता ही होगा आपके घर में ही जितने लोग हैं उनकी चॉइस सबकी अलग अलग होगी. किसी को फिश पसंद है तो किसी को दाल सब्ज़ी पसंद है. ठीक है, तो क्या हो गया, जितने लोग होते हैं उतनी उनकी चॉइसेस भी होती हैं. सम लाइक राइस, वेयर एज सम अदर्स मे लाइक चपाती, सम लाइक स्वीट्स, वेयर आर सम अदर्स मे लाइक सॉल्टी स्नैक्स, सम लाइक समोसास विद टी, वायर सम अदर्स मे लाइक ढोकला विद चीज. ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट लोग की चॉइसेस हैं. कोई किसी को क्या चावल ज़्यादा पसंद है तो किसी को रोटी ज़्यादा पसंद है, किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है और किसी को क्या है नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट पीपल की डिफरेंट चॉइसेस होती है. नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, मीन्स हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है एक डिश को प्रिपेयर करने में. ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल्स. पहले इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स होते क्या हैं? इंग्रेडिएंट और मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी फूड को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं. ओके, वी मे नीड टू और मोर इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड आइटम्स. क्या होना चाहिए, हमें दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए अपने फूड को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए टू कुक प्रिपेयर राइस, हमें चावल बनाने के लिए क्या चाहिए? वी नीड रॉ राइस एंड वाटर, हमें कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए. थस राइस एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस, मीन्स क्या है, चावल को बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो कि हमारा चावल हो गया और पानी हो गया. नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी, अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है देन वी नीड वन और मोर वेजिटेबल्स, घी, ऑयल, डिफरेंट स्पाइसेस एंड वाटर. हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुछ सब्जियां चाहिए, घी या तेल चाहिए और
अलग अलग तरह के मसाले और पानी चाहिए. ओके, सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर द वेजिटेबल करी. तो ये हमारे क्या है, वेजिटेबल करी के इंग्रेडिएंट्स हैं. नेक्स्ट है हमारा, सम इंग्रेडिएंट्स मे बी कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट की बात हम करने जा रहे हैं जो सब मेनली सभी फूड आइटम में यूज़ होते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए, और वेजिटेबल करीज, सभी वेजिटेबल की क्यूरीज, और नेक्स्ट दाल्स वुड रिक्वायर ऑयल घी. जितनी भी दाल होती हैं उन सभी के लिए क्या तेल या घी ज़रूरी है. स्पाइसेस सच एज चिलीज, सॉल्ट, टर्मेरिक इटीसी. जैसे क्या है, मिर्च, नमक और जो हमारी हल्दी होती है टर्मेरिक, ये सभी वेजिटेबल करी में यूज़ होती हैं. ओके, देन आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.